जादुई बिजली। एक गांव में रामू, सोनू और मोनू नामक तीन दोस्त रहा करते थे। रामू एक किसान था, वो खेत में काम करके खुश रहता था। सोनू एक दूध वाला था, मोनू एक दुकानदार था। एक दिन तीनों दोस्त शहर को कुछ काम से गए। काम पूरा होने तक शाम हो गई। शाम को जब वो लौट कर गाँव वापस जा रहे थे, उनको जंगल पार करके वापस जाना था। अचानक आसमान में बादल आ गए। कुछ देर तीनों दोस्त एक दूसरे से मशवरा करने लगे, फिर आगे चलते रहे। अचानक बादलों में बिजलियां कड़कना शुरू हो गई। वो डर गए। सोनू ने कहा, बाप रे, बिजली को देख रहे हो? लगता है आज तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, आज तो ऐसे ही लगता है। बहुत रात हो चुकी है, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम जंगल के बीचों बीच है, अब अगर हम आगे जाएंगे तो भी खतरा है, पीछे जाएंगे तो भी खतरा है। इससे बेहतर है हम आगे चले जाएं। इतना कहकर वो बैलगाड़ी आगे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। अचानक उनकी बैलगाड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया। तीनों बैलगाड़ी से उतर गए और एक पेड़ के नीचे रुक गए। मैंने तो पहले ही कहा था वापस चले जाएंगे, सब देखो क्या हो गया। तुमने रामू की बात मानी ना, ऐसे ही होना था। पेड़ के नीचे खड़ के वो बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। मान से एक बहुत बड़ी बिजली उनके आगे खड़कने लगी। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां भी कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कुछ किसी दुर्घटना की ओर इशारा है। मुझे लगता है कि भगवान में से हम तीनों में किसी एक को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो, मुझे लगता है भगवान हम में से किसी पापी को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो किसी एक के कारण हम तीनों को सजा मिले। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं जाकर उस बिजली के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। जैसा उसने कहा था उसे कुछ नहीं हुआ। वो वापस पेड़ के नीचे आकर खड़ गया। मोनू भी अपने मन में सोचने लगा, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। सोनू की तरह वो भी बिजली के आगे खड़ गया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब रामू की बारी थी। वो सोचने लगा कि बाकी दोनों तो बच गए, अब भगवान को उसे ही सजा देनी होगी। लेकिन उसने भी तो कोई पाप नहीं किया था। वो डरते डरते बिजली के आगे खड़ गया। तभी अचानक बिजली वहाँ से पेड़ की तरफ चली गई और पेड़ के ऊपर गिर गई। पेड़ जल गया और उसके नीचे खड़े सोनू और मोनू मर गए। रामू को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों दोस्तों की मौत पर वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर अब मैं इन दोनों के बिना गांव जाऊंगा तो गांव के लोग मुझे ही इनका मौत का जिम्मेदार समझेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ मर जाता हूँ। रामू बहुत देर तक रोने लगा और रोते रोते वो भी मर गया। और अचानक एक देवी आकाश से प्रकट हुई और वो रामू की अच्छाई से बहुत खुश हुई, इसलिए उसने तीनों को जीवित कर दिया। रामू, तुम बहुत अच्छे हो इंसान। रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है। और तुम्हारे ये दोस्त सोनू, ये जो दूध बेचता था उसमें पानी मिलाया करता था और दूध को बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम्हारा ये दोस्त मोनू, ये जो व्यापार करता था, ये दुकान के सामान में मिलावट करता था और बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम ही बताओ, क्या ये पाप नहीं? पर तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो,
तुमने ऐसे पापियों के लिए अपनी जान दे दी, मुझे अच्छा लगा। अब मैंने खुश होकर तुम तीनों को जीवित कर दिया है। सोनू, मोनू, तुम्हारी जिंदगी का कारण आज रामू है। अपने पाप छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। सोनू मोनू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपने आप से वादा कर लिया कि अब वो कोई पाप नहीं करेंगे, और रामू जैसा अच्छा दोस्त पाकर वो बहुत खुश हुए। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव आ गए। अगले ही दिन से वो अपने अपने काम पर लग गए। सोनू अब दूध में पानी बहुत कम मिलाता था और मोनू सही दाम पर सही तोल कर बिना मिलावट वाला सामान बेचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। बेवकूफ पंडित। एक गांव में एक पंडित था, वह बहुत बोला है। उसे सभी गांव वाले बेवकूफ पंडित बोल के मजाक करते थे। वो सभी मजाक करने से पंडित को बुरा लगती थी। कैसे भी वो बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत अकलमंद है करके दिखाना चाहता था। तब शहर जाके कोई सस्ता चीज खरीद कर गांव लाकर सारे गांव वालों को बताना चाहता था। एक दिन शहर में जाते एक बकरी को सस्ते में खरीद कर गांव आते समय तीन चोर ने देख लिया। ए भाई, देखो ये पागल पंडित कुछ ला रहा है। दूसरे ने कहा, वो छोटी बकरी है। ये पंडित बहुत बोला है, वो हमको मालूम है मगर हम उसको नहीं मालूम। उस बकरी को चोरी करना आसान है। तीसरे चोर ने कहा, उस बकरी को कैसे भी पाने के लिए एक योजना बनाए। उस पंडित को बिना दिखे तीन जगह जाकर तीन लोग खड़े हो गए। पहले चोर पंडित उसके पास आते ही देखकर कहा, पंडित जी इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो। पूछा, बेवकूफ ये कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी को देखकर कुत्ता क्यों बोल रहे हो, बोल के आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दूसरा चोर वहाँ आया और आदर से नमस्कार किया। कहा, पंडित जी दिखने में आप बहुत बड़े दिख रहे हो मगर इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो। पंडित चौंक गया, बकरी को कंधे से उतार कर देखा। यह कुत्ता नहीं बकरी है, ये दोनों को ये कुत्ता क्यों लगता है, सोचने लगा। सोचते सोचते बकरी को कंधे में डालकर रास्ते में जाने लगा। थोड़ी दूर के बाद तीसरा चोर सामने आ गया और कहा, अपचार अपचार, इस गंदे कुत्ते को आप क्यों उठा रहे हो, आप अशुद्ध हो जाएंगे। कहकर आगे बढ़ गया वो चोर। इतने लोग ये बकरी नहीं कुत्ता है कह रहे हैं, मतलब ये सच में कुत्ता ही होगा। ये सोचकर पंडित बकरी को छोड़कर स्नान करने घर की तरफ चले गए। बाद में तीनों चोर खुशी से बकरी को ले गए। इसीलिए बड़े कहते हैं, बेवकूफ सभी को मजाक लगती। चोर और भूत की दोस्ती। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था, वो अपनी पूजा में ही गुम रहता था। गांव का एक आदमी उसकी पूजा से और सादगी से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए उसने उसे दो गाय के बच्चों को भेंट में दिया। उस ब्राह्मण को वो गाय के बच्चे बहुत अच्छे लगे, वो उनकी बहुत देखभाल करता था। एक दिन एक चोर उस ब्राह्मण के घर आया और उस गायों को चुराना चाहा। अहा, ये गाय कितने अच्छे हैं। अगर मैं इन्हें शहर ले जाकर बेच दूंगा तो मुझे बहुत पैसे आएंगे, पर इन्हें बांधने के लिए मुझे एक रस्सी की जरूरत होगी। वो एक रस्सी को खरीद लाया और रात को जब वो रस्सी लेकर गाय चराने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। रुक जा, ओ तुझे बोल रहा हूँ, रुक जा। इतनी डरावनी आवाज सुनकर चोर डर गया और कहने लगा, बताओ कौन हो तुम। इतना कहकर वो आगे पीछे देखने लगा, तभी एक भूत उसके सामने प्रकट हुआ। मैं एक भूत हूँ,
तू कौन है? मैं चोर हूँ। ये वक्त हमारा है, इस वक्त में तुम क्यों फिर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण के घर गया था, उसके पास दो गाय है, उन्हें चुराने जा रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ठीक है, तो तुम गाय को चुरा लेना और मैं ब्राह्मण को खा लूंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो दोनों उसके घर आ गए, उसकी खिड़की से झांकने लगे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण तो सो रहा है। ब्राह्मण को सोते देखकर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं इसे खा लेता हूँ। नहीं नहीं, अगर तुम इस ब्राह्मण को खाने जाओगे तो ये उठ जाएगा और न तुम इसे खा पाओगे और न मैं गायों को चुरा पाऊंगा। इससे बेहतर है कि मैं पहले गायों को यहाँ से ले जाता हूँ, फिर तुम इसे खा लेना। नहीं नहीं, पहले मैं खा लूंगा, तुम बाद में चोरी कर लेना, मुझे बहुत भूख लग रही है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। उसी दौरान उन दोनों की आवाजों से उस ब्राह्मण की आंख खुल गई। एक तरफ भूत और एक तरफ चोर, दोनों को खिड़की में देखकर वो डर गया और तुरंत अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसके मंत्रों की शक्ति से वो भूत भाग गया और कुछ हिम्मत जुटाकर वो उस चोर को एक लकड़ी से मारने लगा। अपनी अकलमंदी लगाने से उसकी गाय भी बच गई और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल सही समय पर इस्तेमाल करने से बड़े से बड़ा संकट भी हल हो सकता है।